चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से कोवलम के ताज फिशरमैन्स होटल के कोव रिसोर्ट में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत होती रही। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, अमेरिका से ट्रेड वॉर और इससे पड़ने वाले आर्थिक असर पर बात हुई। पीएम मोदी ने महाबलीपुरम में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता को संबोधित करते हुए चीन से कहा कि पिछले 2000 सालों के अधिकांश कालखंड में भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही, जबकि इस शताब्दी में हम फिर से साथ साथ उस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल चीन के शहर वुहान में हमारे इनफॉर्मल समिट से हमारे संबंधों में गर्मजोशी आई है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। पीएम ने कहा कि हमने तय किया था कि हम मतभेद को आपसी सहमति से सुलझाएंगे और इसे विवाद नहीं बनने देंगे। एक दूसरे की चिंताओं के बारे में संवेदनशील रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। इस मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत द्वारा किए गए स्वागत से बहुत खुश हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि वुहान स्पिरिट के जरिए भारत चीन के संबंधों को एक नया मोमेंटम और विश्वास मिला था। आज हमारे चेन्नई विजन से हमारे बीच सहयोग का एक दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा, ये सभी हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके माध्यम से भविष्य में और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। चेन्नई समिट के दौरान भारत चीन के बीच द्विपक्षीय और वैश्विक मसलों पर अहम विचार विनिमय हुआ है। वही महाबलीपुरम में भारत चीन के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के ओपनिंग रिमार्क में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि मैं भारत से मिले सम्मान और यहाँ की मेहमान नवाजी से अभिभूत हूँ, जिसे उन्होंने और उनके साथ आए सहयोगियों ने महसूस भी किया। जिनपिंग ने कहा, ये दौरा मेरे और मेरे साथियों के लिए यादगार रहेगा। चीनी राष्ट्रपति का कहना है कि जैसा कि कल पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों नेताओं ने शुक्रवार को द्विपक्षीय मुद्दों पर बेहद सकारात्मक माहौल में चर्चा की थी, अनौपचारिक बातचीत से हमारे रिश्ते में नई गर्माहट आई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.